नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं नजर अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। मार्टन स्कूल में मनाई गई एनसीसी की 74वीं वर्षगांठ। भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शाखा और दुनिया के सबसे बड़े वर्दीधारी युवा संगठन राष्ट्रीय कैडेट कोर का आज 27 नवंबर को 74वां वर्षगांठ मनाया गया। आपको बता दें कि एनसीसी दिवस हर साल नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। आज पूरा देश एनसीसी दिवस मना रहा है। वहीं भारत में 16 अप्रैल 1948 को एनसीसी की स्थापना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। इसी कड़ी में आज रीवा में स्थापित प्रदेश बटालियन एनसीसी रीवा के अधीन संचालित एनसीसी की उप इकाइयाँ क्रमशः शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1, 2, 3 एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 12 में नामांकित एनसीसी कैडेट्स ने एनसीसी दिवस की 74वीं वर्षगांठ शासकीय माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 व 3 के मैदान में एकत्रित होकर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश बटालियन रीवा के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राजेश सिंह रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में सबसे पहले कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राजेश सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी कैडेट्स, एएनओ, सैन्य अधिकारी, कर्मचारियों एवं सिविल स्टाफ अधिकारी को एनसीसी दिवस की बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित की। सभी को शपथ दिलाते हुए अपने उद्बोधन में एनसीसी के योगदान का जिक्र करते हुए बताया कि व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में एनसीसी का महती योगदान रहा है। राष्ट्र सेवा में समर्पित ये संस्था प्राकृतिक, अप्राकृतिक आपदा तथा समाज की कुरूतियों को दूर करने में सदैव अग्रणी रही है। देखिए एनसीसी दिवस पर विंध्य भारत की ये खास रिपोर्ट। हम राष्ट्रीय कैडेट कोर के एनसीसी का 74वां वर्षगांठ जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, इसी तहत यहाँ पर आज हम एकत्रित हुए हैं। यहाँ कैडेट्स, एनओज और पीआई स्टाफ जो हमारे बीच में है, हम मार्दन क्रमांक 1, 2, 3 और गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1, 2 के कैडेट्स यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं और यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस 74वें स्थापना दिवस के उपलक्ष में यहाँ पर एक जन अवेयरनेस रैली जो आम नागरिक को जागरूक करेगी कि नशा एक देश को किस प्रकार से खोखला किया जा रहा है और युवा पीढ़ी किस प्रकार से अपने लक्ष्य एम से विचलित हो रहे हैं। ये रैली मार्दन क्रमांक 3 से लेकर सीपी प्लाजा होते हुए, साईं मंदिर होते हुए, यहाँ सिरमौर चौराहे तकरीबन मैक्सिमम रीवा के जगहों को कवर करेगी और आम जागरूक को संबोधित करेगी। ये कितना बड़ा अभिशाप के तौर पे देखा जा रहा है जिसमें आज हमारी युवा पीढ़ी लीन हो गई है या लिप्त हो गई है और इसके बिना उनको कुछ और नहीं सोचता है और इसका कितना पेरेंट्स के ऊपर और आर्थिक स्थिति के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है। युवा पीढ़ी को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जिंदगी में अपने माँ बाप का नाम जिन्होंने इतनी मेहनत करके उनको इस जगह तक पहुंचाया है, इस नशे से दूर रहें और जिसके भी लायक हैं अपना लक्ष्य और उद्देश्य बनाएं और देश की प्रगति में
योगदान दें और ताकि देश का निर्माण, क्योंकि कल वो देश के भावी नागरिक हैं और देश को चलाने की क्षमता रहे और उसको सहयोग देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सके। थैंक यू।